नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राजतक न्यूज। लखनऊ से जुड़ चुके हैं उमाकांत पांडे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय दल जनता पार्टी के। पांडे जी, राजतक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार बड़े भाई जी, मदन जी, आपके राजतक दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार सभी से। पांडे जी, अभी गठबंधन का दौर चल रहा है, तो किधर जाएंगे आप? गठबंधन का भी हम लोगों का कोई प्लान नहीं किया गया है, ना किसी से विचार विमर्श किया गया है। गठबंधन का भी कोई प्रक्रिया नहीं, हम लोग अपनी इंडिविजुअल की तैयारी भी जुटे हुए हैं, जिसमें कि हम लोग अपनी देख ही रहे हैं। सारे पार्टियां अपने मैदान में अपना अपना दमखम दिखा रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोग अपने जिले स्तर पर कार्यक्रम चल ही रहा है। गठबंधन का भी कोई प्रोग्राम नहीं है, और गठबंधन आगे भविष्य क्या होता है कार्यकर्ता सभी कमेटी डिसाइड करेगी। गठबंधन का क्या प्रक्रिया की जो भी है, सारी प्रक्रिया देख ही रहे हैं, चल ही रहा है। हम लोग भी गठबंधन में अगर जाना होगा तो हमारी कमेटी भी डिसाइड करेगी, साथ में हम भी रहेंगे और सब आपको बताया जाएगा। नहीं, अगर जो कोई पार्टी ऑफर दे दे, जो नया तीसरा मोर्चा बन रहा है, तो आप लोग जाएंगे उसमें? गठबंधन पार्टियां वो ऑफर तो बहुत जगह से आई आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऑफर का मतलब है कि अगर गठबंधन किया जाए तो ढंग की तो हमारी विचारधारा से बराबर मैच करता हो, उसके साथ गठबंधन किया जाएगा। विचारधारा तो सामने वाले की क्या है, उसके विचारधारा के आधार पर हम लोग भी गठबंधन करेंगे। गठबंधन तो सभी पार्टी छोड़ी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव छोटा चुनाव नहीं है, लोकसभा का बड़ा चुनाव है। और नई पार्टी का इतना वर्चस्व कि नहीं अपना बड़ा चुनाव अगले इंडिविजुअल लड़े, उसको तो सहारे की जरूरत है ही है। तो गठबंधन हमारी जो विचारधारा किससे मैच करेगी, उसके साथ करेगी। बीजेपी ऑफर देके तो जाएंगे? बीजेपी ऑफर करे, समाजवादी ऑफर करे, कांग्रेस ऑफर करे, कोई भी ऑफर करे, जिसका भी ऑफर करेगा, अगर हमारी विचारधारा मैच करेगा, हमारे जो कुछ नियम शर्तें हमारे संगठन के हैं उसके आधार पर, नहीं तो हम लोग भाई पार्टी बनाने का मतलब कि अगर हमको उनके साथ काम करना है तो उन्हीं पार्टियों से हम लोग निकट के बनाए हैं पार्टी। तो किसी के विचार उसका, हमारी शर्तें जिन शर्तों पे हम लोग पार्टी अलग बनाए हैं, अगर हमारी शर्तें मानती हैं वो पार्टी कि हाँ चलिए ठीक है आपके शर्तें हम तो कहीं हद तक समझौता करेंगे, तो हमारी शर्तों पे अगर समझौता होगा तो फिर हम बीजेपी क्या, कांग्रेस, समाजवादी, बसपा, किसी के साथ जाएंगे। पांडे जी, आपको लग रहा है जो भी गठबंधन बना था, पटना में बात हुई, तो आपको लग रहा है कि मतलब कि बीजेपी के खिलाफ ये लोग मजबूती से खड़ा हो पाएंगे, कि बस ऐसा ही पटना में मीटिंग हुआ फिर अपना अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? देखिए मदन भाई, गठबंधन हर चुनाव पे किसी न किसी पार्टी विपक्ष गठबंधन करता ही है, चाहे विपक्ष कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बसपा हो, बीजेपी भी गठबंधन छोटे छोटे दलों को लेकर काम करती है, और सभी पार्टियां अपने अपने साथ किसी न किसी दल को, छोटे दलों को लेकर साथ में चुनाव लड़ती है। तो गठबंधन जो चुनाव लड़ती है तो अपने तरीके से, उनका तरीका अलग, उनका तरीका अलग, अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ती है, अपने अपने तरीके से गठबंधन होता है। जो जिसके विचारधारा जहां विमर्श करती है कि जैसे उसका विचारधारा उनसे मैच करता है उनके साथ जाता है, उनका विचारधारा उनके साथ मैच करता है उनके साथ जाता है, तो अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। अभी जो पटना में बैठक हुई थी, आपको लग रहा है कि बीजेपी हार जाएगी चुनाव, ये लोग हरा देंगे? देखिए हारना ना हारना ये तो जनता तय करेगी ना, जनता तो आज सब देख ही रही कौन क्या कर रहा है, जनता के ऊपर है हारना ना। गठबंधन कर पाता है कि देखो मुद्दे जब तक आज के दौर में जैसे राजनीति चल रही है, ये राजनीति अब वो राजनीति से बहुत हट के चल रही है, आज मुद्दों की बात कोई नहीं करता, कोई भी राजनीतिक दल मुद्दे जनता के मुद्दों की बात कोई नहीं करता है, सिर्फ अपने वोट बैंक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये चमार रहे पाए अही रहे गड़रिया हमराई है बाभन ठाकुर अही, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी जैसे आज कोई नेता या विधायक या मंत्री किसी में जनसभा में जाता है, अगर उससे पूछ लिया जाए, खड़े होकर मंच पर से हाथ हिला देगा कि मैं आया हूं आपसे वोट लेने, वोट लेने के लिए मंच पर से खड़ा होकर हाथ हिला देगा। लेकिन अगर उस मंत्री से पूछ लिया जाए अपनी विधानसभा में, एक किसी ग्राम सभा के 5 व्यक्ति का नाम बता सकता है, सिर्फ उसी अभिन्न पदाधिकारियों को छोड़ करके, आपको वोट सभी ने दिया है वहां का ना। लेकिन अगर उस मंत्री से पूछ लिया जाए फलानी ग्राम सभा में 5 व्यक्तियों को जिन आपके पदाधिकारी नहीं है, उन 5 व्यक्तियों के नाम बता दो, कोई मंत्री नहीं बता सकता है। क्योंकि आज तो जाना मंच पे हाथ हिलाना है, अपनी वोट बैंक को दिखा देना है, बस चले आना वोट बैंक व्यवस्था करके चले आना कि हमारे कार्यकर्ता
आज दलालों के बल पे चुनाव चल रहा है, दलालों के बल पे चुनाव नहीं होता, जमीनी स्तर पर जाना पड़ेगा, ग्राम सभा पहले होता था, अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह जाते थे, दरी बिछाकर गांव में उन गांव के दर्द को समझते थे तब चुनाव लड़ते थे। आज कोई विधायक मंत्री किसी गांव में दरी बिछा के बैठक किया है आज तक? हमारी पार्टी इसीलिए हम लोग जमीन स्तर पर जाकर के उन लोग हम लोग बड़ी भोपाल नहीं दिखाते हैं, भोपाल दिखाना हम लोगों को, हमारे सभी छोटे छोटे कार्यकर्ता अपनी गांव में जाके बैठक करते हैं, छोटे अपना चुनाव के स्तर पर काम करते हैं। तो हम लोगों को चुनाव को हम लोगों को विचारधारा को चलना है। मंडल जी, आपके पार्टी में पहले काशी सिंह थे, तो पार्टी छोड़े क्यों? अब उनको हमारी विचारधारा, पहले बोले कि आपकी विचारधारा से विमर्श है, आपके पास कार्यकर्ता नहीं। भाई देखो, ब्लेम लगाना अलग, कार्यकर्ता जबको पार्टी छोड़ना हो, जिस पार्टी से आए उस पार्टी में उनको जाना था, अब वो हमारे पार्टी में आए, हमारे से हमारी उनका विचारधारा हमारा उनका तालमेल नहीं खाया, वो हमारे साथ से चले गए। अब हालांकि काशी सिंह बहुत बढ़िया आदमी है, ऐसा नहीं है, जुझारू भी है, लेकिन अब उनको हमारे साथ संबंध उनका नहीं बन पाया है, वो अपना जिस पार्टी से आए उसी पार्टी में फिर चले गए। तो इसमें कोई वो नहीं है कि जब भाई जिसका जहां मन करेगा वहां काम करेगा, राजनीति है। आशीष सिंह बोल रहे थे कि कार्यकर्ता नहीं, तो इनको तो कार्यकर्ता बनाना पड़ेगा ना, तो जमीन पर चलना पड़ेगा। कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का एक आदमी तो काम कार्यकर्ता नहीं बनाता ना, पार्टी के सभी पदाधिकारी मिलकर कार्यकर्ता बनाते हैं। नई पार्टी में कौन सा कार्यकर्ता होता है? आपको भी पता है, 2 साल की पार्टी है, 2 साल की पार्टी में हमने फिर भी जमीनी स्तर पर काम किया है। आज हमारे पास कार्यकर्ता, हमने लिस्ट भी जारी किया, लिस्ट में अगर फॉरवर्ड कर दे तो मेरे लिस्ट में कार्यकर्ता 35 जिला अध्यक्ष बाकायदे अपनी कार्यकारिणी हमको सबमिट कर चुके हैं आज के डेट में। अब 35 जिला में हमारी हर जिला अध्यक्ष के नीचे 27 मेंबर की कार्यकारिणी है, 35 जिलों की कार्यकारिणी मेरे पास आ गई है, 57 लोग मेरे प्रदेश में पदाधिकारी हैं, 11 लोग की मेरी कमेटी है राष्ट्रीय की। तो भाई सारे पदाधिकारी एक्टिव तो नहीं मिलते ना, कुछ एक्टिव पदाधिकारी मिलते हैं, कुछ नॉन एक्टिव पदाधिकारी मिलते हैं। तो जो एक्टिव पदाधिकारी हैं वो तो काम करेंगे, जो नॉन एक्टिव हो तो भाई अपना पद लेके भोकाल दिखाते हैं हम पदाधिकारी हैं फलानी पार्टी के, जन लोगों को बताना होता है कि मैं पार्टी। कुछ पदाधिकारी सर, हर आदमी एक जैसे नहीं, पांचों के लिए बराबर नहीं है। तो काशी सिंह बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन अब उनकी विचारधारा आप जहां मैच करी थी वहां जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। काशी सिंह से मेरा कोई सिखवा गिला भी नहीं है। पांडे जी, अब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे 24 को जी, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे 24 को आप? हाँ, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास कम से कम, हम अभी इस टाइम प्रेजेंट टाइम में करीब 5 प्रत्याशियों को चिन्हित भी कर दिया, जो प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं अपने लोकसभा में। अब घोषणा हम लोग करेंगे, हमारा 25 सीट पे टारगेट है चुनाव लड़ने का, इंडिविजुअल अगर लड़ते हैं तब। तो आप लड़ेंगे कि नहीं? तो 25 नहीं, हमारा चुनाव लड़ने का कोई प्लान नहीं है। तो 5 सीट कौन कौन सी लड़ना है जो बता रहे हैं? सॉरी, आप बोल रहे हैं 5 सीटों को प्रत्याशियों को उतार दिया गया है, तो कौन कौन सा सीट आप अभी तक 5 लोगों को उतारे हैं? 5 लोकसभा चिन्हित किए गए हैं, अभी नहीं बताया जाएगा, जब वो सारी लिस्ट इकट्ठा कंप्लीट हो जाएगी उनपे चिन्हित करके घोषणा की जाएगी, अभी किसी को नहीं बताया जाता है कि कौन प्रत्याशी कहां, लेकिन 5 लोकसभा में हमारी तैयारी चल रही है। अभी एक बयान आया था ओपी राजगढ़ जी का, तो बोल रहे थे कि अगर मायावती आएंगी मोर्चे में तो मैं भी साथ जाऊंगा और बीजेपी हार जाएगी, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी इतना, अब बीजेपी बहुत, देखिए ब्रांड बहुत बड़ा, जो ब्रांड के सामने जो हम लोगों तो अभी टारगेट बना, कहने तो हम भी कुछ भी कह सकते हैं भाई, कहने के लिए तो हम भी कुछ भी कह सकते हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, तीनों पार्टियां बहुत, आज के दल उत्तर प्रदेश में 3 दल है जो बहुत बड़े चेहरे हैं, समाजवादी को भी ले, बसपा को ले लिया जाए तो 4 दल अगर आते हैं, चारों दल के टक्कर का भी कोई दल नहीं बना है उत्तर प्रदेश में। तो चारों दल का अगर कोई कहे कि खंडन करे कि मैं इनको जो इनके नीचे ऊपर चला जाऊं, तो इतना आसान नहीं अभी जाना, क्योंकि लोग भाई मुख्यमंत्री उनके चारों दलों ने मुख्यमंत्री दिया है अपना अपना, तो छोटे दल का भी वो हैसियत नहीं कि उनके बराबर टक ले, कहने के लिए तो भाई राजनीति कुछ भी बोला जा सकता है। मीडिया में छाए रहने के लिए ओपी राजगढ़ बोला था कि समाजवादी टूट रही है,
मीडिया में छाने के लिए सभी अपना अपना कोई ना कोई तो बयान देते ही रहता है, और मीडिया भाई चर्चे में रहने के लिए कुछ उल जुलूल तो शब्द बोलने ही पड़ते हैं लोगों को। बीजेपी भाई बीजेपी के खिलाफ बोले, समाजवादी के खिलाफ बोले, बड़ी बड़े दल के पास जब आप बोलोगे भाई, छोटा कार्यकर्ता अपना कैसा वर्चस्व बनाएगा, तो बड़े कार्यकर्ता का विरोध करेगा, तभी छोटा दल अपना कार्यकर्ता बना पाएगा ना, अपना वर्चस्व बना पाएगा। हालांकि वो जानता है कि बड़े बड़े दल के ये भी जो बोल रहा हूँ गलत है, लेकिन वो बोलता है अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। तो वो भी रात भर बोल रहे थे कि समाजवादी छूटेगी, तो अखिलेश जी बोले कि क्या चाह रहे हैं, अभी 6-2 पर आ जाए, तो उनका कहने का मतलब क्या था, कुछ बताएंगे? नहीं, ये ओपी राजभर की अपनी विचारधारा अपना वो है, क्या दिमाग क्या बोलना है क्या वो उनका है, क्योंकि वो सम्मानित नेता है, ऐसा नहीं, बहुत बढ़िया नेता है, हमने उसके भाषण भी सुनते हैं और उसके बयान भी सुनते हैं, कहीं हद तक वो सही बोलता है, लोग हंसी में लेते जरूर है, कहीं हद तक वो सही बोल जाता है, लेकिन उसकी कुछ लोग हंसी में टाल देते हैं और कहते नहीं कि जब वो बड़बोला होता है तो उसका सभी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मजाक जरूर उड़ाते हैं, लेकिन कहीं कहीं हद तक सत्य बोलता है वो। मैंने अलग अलग जगह अलग अलग मुझे भाषा लगी रहती है। नहीं, हर आदमी अलग अलग, भाई देखिए अलग अलग बात, अलग अलग सब कुछ होता है, लेकिन कहीं हद तक जो कहते नहीं है, पर बोला जब बोलता है कोई चीज तो लोग हंसते हैं, लेकिन उसकी अगर सच्चाई देखी जाए तो अंदरूनी शक्ति जो है उसकी सच्चाई ही होती है, खाली लोग हंसी में ले लेते हैं, लेकिन उसके विचार विमर्श करे दिल से, अगर दिल में हाथ रख के कोई सोचे कि ओम प्रकाश राजभर ने ये शब्द बोला, लेकिन वो सत्यता बोल जाता है, और सच्चाई है आज की जब जमीनी स्तर पर ओम प्रकाश राजभर जितनी भाषण देते हैं वो सच्चाई की देते हैं, जो चलता है उत्तर प्रदेश में, जो दिखाता है वही चीज वो बोलता है, लेकिन सब लोग उसकी बातों को हंसी मजाक में टाल देते हैं। अगला सवाल हमारा है पांडे जी, कि मान लीजिए आपसे कोई पार्टी गठबंधन कर रही है और बोले कि आप कोई भी सीट नहीं दूंगा, लेकिन आप सपोर्ट करिए, तो करेंगे? सपोर्ट करने का मतलब कोई बनता है, इससे बढ़िया हम इंडिविजुअल लड़ लेंगे, सपोर्ट क्यों करेंगे, हम इंडिविजुअल लड़ लेंगे चुनाव, हमें सपोर्ट करने की क्या जरूरत, पार्टी की जरूरत पड़ेगी ना? नहीं, अगर हमें हमारी, हमने आपको यही कहा, हमारी विचारधारा पे या हमारी शर्तों पे अगर कोई होता मंथन करता है कि हाँ चलिए ठीक है आपकी शर्तों को कुछ हद तक हमारी सहमति बननी चाहिए ना, अभी हमारी कमेटी भी डिसाइड करेगी, तभी हम उससे गठबंधन करें, अगर हमको उसका समर्थन क्यों दे देंगे, हम इंडिविजुअल 25 जो 4-5 सीट टारगेट करके, नहीं 25 सीट टारगेट करके बैठे हैं, उसमें प्रत्याशी उतारेंगे, हम अपने प्रत्याशी में अपना दमखम उतारेंगे, अपने कार्यकर्ताओं का बल देखेंगे, भाई हमने हमारे कार्यकर्ता कितना कार्य किए उसका बल तो बड़ी पार्टी के लोग बोलते हैं कि इसीलिए बीजेपी को फायदा होता है, क्योंकि छोटे छोटे दल तमाम अलग अलग मुद्दे लेकर लड़ जाते हैं और उसका फायदा बीजेपी उठाती है। भाई भाई बीजेपी का, हमारे छोटे दलों का फायदा बड़ी पार्टी ऐसे तो उठाती है, भाई उनको समर्थन ले लिया, समर्थन में चुनाव जीत लिया, आगे जब उनका कार्य कहीं अगर फंसता है छोटा दल, तो बड़ी पार्टियां कभी समर्थन उनका सहयोग नहीं करती है। अभी हम ज्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे, 2022 की चुनाव की बात करते हैं, बीजेपी ने और समाजवादी ने कितने छोटे छोटे दलों को इकट्ठा किया था, आज अगर छोटा दल कहीं भी अपना वर्चस्व स्थापित करने को सोचता है तो बड़ा दल दबाने को तो सोचता है, वहां पर कहां उठने देगा उसको, तो पहले वो अपना वर्चस्व बने। आखिर में कुछ कहेंगे पांडे जी अपने कार्यकर्ताओं को, खास करके लोकसभा चुनाव के लेकर क्या कहेंगे? कार्यकर्ता हमारे बहुत बढ़िया, कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी कार्यकर्ता अपना, 27 जिलों में अभी हमारे जो 30-35 जिला अध्यक्ष बने हैं, इसमें कम से कम 20-25 जिला ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कार्यकारिणी सबमिट कर दी है, बाकी जिला अध्यक्ष भी अपनी जल्द से जल्द कार्यकारिणी सबमिट करें, ताकि हम लोग अपना 2024 में वर्चस्व दिखा सके। ठीक है पांडे जी, अब राज तक न्यूज चैनल को आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी दर्शकों को, आज मेरा प्रणाम।